एक किलोमीटर दूर है, एक किलोमीटर 226 मीटर, एक किलोमीटर 183 मीटर, एक किलोमीटर 142 मीटर, एक किलोमीटर 104 मीटर, एक किलोमीटर रह गया, आखिरी एक किलोमीटर रह गया और लैंडर अब सीधी पोजीशन में आ रहा है। लैंडर अब सीधी पोजीशन में आ रहा है, जी हाँ, लैंडिंग की पोजीशन में सीधा हो गया लैंडर, लैंडर सीधा हो चुका है। अब ये लेग्स उसकी बिल्कुल, लैंडर की जो लेग्स हैं वो बिल्कुल सतह के ऊपर आ गई है, सीधा हो चुका है लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सीधा हो चुका है, एक किलोमीटर से भी कम, 812 मीटर, 812 मीटर की ऊंचाई है इस वक्त। लैंडर विक्रम सीधा हो चुका है, सारे साइंटिस्ट में खुशी की लहर, पूरा देश गर्व से, पूरे देश का सीना फूल रहा है इस वक्त। 0.725 मीटर की पर सेकंड की स्पीड आ गई, स्पीड बहुत कम आ चुकी थी, बहुत कम स्पीड आ चुकी है और अब ये बिल्कुल लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है, ये लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है। ये देखिए डिस्टेंस बहुत कम, अगर हम इस टॉप कॉर्नर पे देखें तो वहां स्पीड भी दिख जाएगी। जी हां, 709 लूना सरफेस, 702, 687 जी, आप अपने 687 मीटर हैं कि लैंडर क्या हाइट इस वक्त लगभग 600 मीटर ऊपर है, सिर्फ होल्ड किया हुआ है, अभी वो हूवर कर रहा है वहां पे, अभी वो सेफ लैंडिंग, सेफ लगभग 600 मीटर के आसपास की ऊंचाई, 500 के आसपास ऊंचाई हो रही है जी, 541 मीटर, 524 मीटर, आधा किलोमीटर ऊपर ही है, 500 मीटर, 493 मीटर अब बिल्कुल सीधा हो गया है और वो नीचे बस उतर रहा है, 421 मीटर पहुंचने वाला है चंद्रयान, 395 मीटर, 378 मीटर, 350 मीटर, 345 मीटर, 338 मीटर, 331 मीटर, बहुत करीब आ रहा है चांद, चांद 316 मीटर दूर, चांद 294 मीटर, चांद 294 मीटर, 261 मीटर, 253 मीटर, 246 मीटर, 241 मीटर, 234 मीटर, 229 मीटर, चांद 218 मीटर दूर, 214 मीटर, 209, 204, 200 मीटर दूर चांद, 196, 191, 188, 184, 181 कम आ चुके हैं, चांद 175 मीटर दूर, 170 मीटर दूर चांद, लैंडर पहुंच गया है, 163 मीटर ऊपर है, 161 मीटर ऊपर है, 158 मीटर ऊपर है, 157, 156, 154, 153, 152 मीटर, 151 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर ऊपर है विक्रम लैंडर, 149 मीटर, और स्पीड धीरे होती जा रही है, और स्पीड धीरे होती जा रही है, अब नियरली 150 मीटर्स अबाउट द लूना सरफेस, बूस्टर बंद हो चुके हैं, गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, थ्रस्टर बंद हो चुके हैं, थ्रस्टर बंद हो चुके हैं, अब वो खुद लैंड कर रहा है, वो 152 मीटर पर जगह ढूंढ रहा है लैंड करने की, ये बढ़ गई थोड़ा, बढ़ गई, वो दोबारा दूसरी जगह, डिस्टेंस बढ़ गया, अब दूसरी जगह देख रहा है शायद, क्योंकि ये 150 मीटर, 100, अब विक्रम लैंडर जगह ढूंढ रहा है कि कहां पे लैंड करना है, और नीचे लैंड करना उसने शुरू किया, 139 मीटर, 134 मीटर, 150 मीटर पर थोड़ी देर वो रुका था, वो देख रहा था जगह, अब वो 127 मीटर की ऊंचाई पर है, 118 मीटर की ऊंचाई पर है, ये सब उसका कंप्यूटर अपने आप कर रहा है, ये 112 मीटर यहां से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सब विक्रम लैंडर का कंप्यूटर कर रहा है, अब ये 112 मीटर, 110 मीटर की ऊंचाई पर, अब 74 मीटर, 72 मीटर, 70 मीटर, 68 मीटर, 67 मीटर, 65 मीटर, 64 मीटर, 63 मीटर, ये आ गया चांद, आ रहा है चांद, आ रहा है चांद, पहुंच रहा है चांद के करीब, टू इंजन्स आर नाउ बीइंग फायर्ड एंड वी आर नियरली एट जीरो वेलोसिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वी आर होवरिंग एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग द मून सरफेस, 64 मीटर की ऊंचाई, 61 मीटर, 59 मीटर, 56 मीटर, 55 मीटर, 52 मीटर, 50 मीटर, 47 मीटर, 45 मीटर, 41 मीटर, 39 मीटर, 37 मीटर, 35 मीटर, 33 मीटर, 31 मीटर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 27 नरेंद्र मोदी जी, चांद 23 मीटर, 22 मीटर, पहुंच गया लैंडर 19 मीटर, लैंडर पहुंच गया, पहुंच रहा है विक्रम, बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब, अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब बस सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, अब देखिए कुछ ही पल, ये पल, जी हाँ, आप लैंडिंग देख सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, लैंडर मॉड्यूल,
भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश अभी तक नहीं कर पाया। तिरंगा प्रधानमंत्री के हाथ में, तिरंगा हिंदुस्तानियों के दिल में, तिरंगा लहराता हुआ चांद पर विक्रम लैंडर सफल लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, चांद पर लैंडिंग। हिंदी में कहावत है, चांद पर तस्वीरें देखिए आप इसरो से, अब हमें कह सकते तस्वीरें देखिए इसरो से, मैं कहूंगा एनिमेशन बना के हम तस्वीरें दिखाएं, चांद पर लैंडिंग देखिए किस तरीके से हुई है। एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। दुनिया के किसी देश ने यह हासिल नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। सर आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड ब्लेस अस। थैंक यू सर। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण